आज आंध्र में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, चिलकलुरीपेट और पालनाडु में पीएम मोदी की रैली होगी। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के चिलकलुरीपेट में एनडीए की संयुक्त बैठक, पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण शामिल होंगे। साझा चुनावी घोषणा पत्र हो सकता है जारी। कल सुबह तेलंगाना के जगतियाल में रैली करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में होगी जनसभा। कल कोयंबटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं पीएम मोदी। के अन्नामलाई भी मौजूद रहेंगे। रात को सर्किट हाउस में करेंगे विश्राम। मुंबई में हुई राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा का समापन, प्रियंका गांधी मौजूद रही। शाम को मुंबई में इंडिया फ्रंट की बड़ी रैली होने जा रही है। राहुल गांधी की रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, चंपई, अखिलेश, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक, पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की होगी मीटिंग। नागपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन है। दोपहर बाद नए सरकार्यवाह का होगा चुनाव। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले फिर चुने जा सकते हैं आरएसएस के सरकार्यवाह, उनकी टीम का भी होगा चुनाव। 9वीं बार ईडी ने केजरीवाल को भेजा समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। कल केजरीवाल को ईडी केस में मिली थी जमानत। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी का आरोप, चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने खोला केजरीवाल के खिलाफ एक और नया केस, चुनाव के दौरान गिरफ्तार करने की कोशिश। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को घोषित हो जाएंगे नतीजे। पीपल्स इंसाइट पोल स्ट्रेट और TV9 के ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 376 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को मिल सकती 133 सीटें, अन्य दलों को 34 सीट का अनुमान है। ओपिनियन पोल में यूपी बिहार में एनडीए की बंपर जीत होती हुई दिख रही है। यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत का अनुमान है। ओपिनियन पोल में बिहार में 40 में से एनडीए को 38 सीटों पर जीत मिल सकती है। अमित शाह ने कहा एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनाव में जा रही है, जनता विकसित भारत के लिए मतदान करेगी। दिल्ली के मंडी हाउस में हिंदू सेना ने केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगाए पोस्टर्स, लिखा सीए का विरोध करने वाले शर्म करो। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने फिर दिखाया दुनिया को अपना दम, 17 बांग्लादेशियों का रेस्क्यू, 35 सोमाली समुद्री डाकुओं का सरेंडर, 40 घंटे चला ऑपरेशन। पुणे के होटल में सरेआम युवक की हत्या, पहले गोली मारी फिर धारदार हथियार से वार किया, लाइव मर्डर सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के भारतीय हिस्से में सलानी गांव के आसपास दिखा ड्रोन, सुरक्षा बल अलर्ट, छानबीन जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में बॉयलर फटने से हादसा हो गया, कई लोग घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। इंदौर की एक मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हिमाचल में बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर, मनाली के सोलंग नाला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। आज आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 21 मछुआरों को पकड़ा है, मछुआरों की 2 नावों को भी जब्त किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में गोलीबारी हो गई, 3 लोगों की मौत, हमलावर गिरफ्तार।